नमस्कार। 2022 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव को भले ही अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिली हो, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। अपर्णा मोदी योगी सरकार की नीतियों से भी जनता को अवगत कराने का काम कर रही हैं, साथ ही साथ बीजेपी के धुर विरोधियों को जमकर लताड़ भी रही हैं। जरूरत पड़ने पर अपर्णा अखिलेश के खिलाफ भी बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं। हालांकि इसी बीच अपर्णा ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफों में कसीदे पढ़े, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस खुशी के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। इसी खास मौके पर अपर्णा यादव ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और साथ ही पीएम सीएम की जमकर तारीफ की। अपर्णा लिखती हैं, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा निरंतर सेवा भाव से राष्ट्र कल्याण की ओर अग्रसर है। इसी के साथ अपर्णा ने बीजेपी को टैग किया और #स्थापना दिवस लिखा। अपर्णा के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी उन्हें बधाई दे रहे हैं और साथ ही साथ कुछ यूजर्स उनको किसी बड़ी जिम्मेदारी न मिलने से निराश भी दिखाई दे रही हैं। खैर, आपको बता दें, बीजेपी की स्थापना साल 1980 में हुई थी। हालांकि उससे पहले 1951 से लेकर 1977 तक भारतीय जनसंघ और 77 से 1980 तक जनता पार्टी के तौर पर इसकी पहचान रही। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालयों में जश्न मनाया गया, जिसके कुछ वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। बहरहाल अपर्णा के बारे में भी आपको बताते चलें, अपर्णा ने अपने परिवार से अलग हटकर बीजेपी ज्वाइन की। पीएम मोदी और सीएम योगी से प्रभावित होकर और राष्ट्रवाद के लिए वो इस पार्टी में आई है। इससे पहले अपर्णा ने पीएम और सीएम की तारीफ में क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूंगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही मैंने जो है इस पार्टी को चुना। एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा, वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। आप बताइए, 6-6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। कोरोना जो फेज आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाती। और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखें, अपने आप फर्क साफ हो जाएगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूंगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही मैंने जो है इस पार्टी को चुना। बिकॉज जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने का उनका प्रोविजन हो, चाहे उनकी जो भी स्कीम्स आती हैं, तो इट इज़ द नेशन फर्स्ट व्हाट ही स्पीक्स ऑलवेज। और इस बार भी आपने 26 जनवरी पे, और भी दर्शकों ने जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने एक्स्ट्रा फोकस दिया अपॉन अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ दिस कंट्री एंड स्पेशली वुमेन। भीकाजी कामा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, पर वो लोग पढ़ते हैं जो ऑलरेडी लिटरेचर से या हिस्ट्री के संवाद से जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं जानते हैं जो लोग बिल्कुल घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं। बहुत सारी उन्होंने ट्राइबल वुमेन के बारे में बात करी, जो कि जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता ना चलता। तो ये एक सोच परिलक्षित करता है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उनका हृदय में कितनी ज़्यादा जो है संवेदनाएं हैं टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, और ये मुझे दिली रूप से छूती है। और चाहे आप देखिए, केंद्र में मोदी जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, तो योगी जी को भी बहुत साधुवाद है जिस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण को और अपना जिस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, जो उनका जीवन जीने का एक तरीका है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने उसूल पे कायम रहना, अपने वस्त्रों को मतलब एक मुखर रूप से जब उन पे टारगेट किया जाता है उनको, कि आप जो है भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं, या उनको संत के उस पे काफी बार टोका जाता है। एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा, वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा, ये सवाल बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी किसने? दी योगी जी ने, दी योगी सरकार ने दी।
आप बताइए, 6-6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6-6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्मे खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वॉज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी, आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फर्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था ये जब भी उठा तब सरकारें औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है सारे ही राम भक्तों के लिए। और राम सिर्फ एक धर्म का नहीं है, राम एक आस्था का प्रतीक है। बहुत सारे जो है लोग हैं अन्य धर्मों के, वो जो है राम में बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि राम एक भारत का चरित्र है। ऐसा हर आदमी, हर बेटा जब पैदा होता है घर में तो कहते हैं राम जैसा बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटे के रूप में आदमी चाहता है कि राम हो, पति चाहे ना चाहे, मगर बेटा हमेशा चाहता है कि राम जैसा हो। तो ये सारी बातें जो विपक्ष कह रहे हैं, वो क्योंकि खुद वो कहते हैं ना कि जो लोग अपना कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों पे प्रत्यारोप करने में सबसे आगे होते हैं, यही बात विपक्ष पे लागू होती है।